वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यह चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए है क्योंकि इसे हाल ही में 2020 का शांति क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है। आइए इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। संयुक्त राष्ट्र का वर्ल्ड फूड प्रोग्राम युद्ध, प्राकृतिक आपदा और अकाल जैसी आपात स्थितियों में खाद्य सहायता मुहैया करता है। WFP यूएन की दो अन्य एजेंसी खाद्य एवं कृषि संगठन और अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष के साथ मिलकर काम करती है। WFP का मुख्यालय इटली के रोम में है। दुनिया के 80 से ज़्यादा देशों में इसके कार्यालय हैं। WFP पूरी तरह से स्वैच्छिक दान से चलने वाला संगठन है। इसमें ज़्यादातर फंड सरकारों से आता है। इसकी शुरुआत 1962 में अमेरिकी राष्ट्रपति डवाइट आइजनहावर के सुझाव से हुई। उनका कहना था कि क्यों ना प्रयोग के तौर पर यूएन की तरफ से खाद्य सहायता शुरू की जाए। WFP को बने कुछ ही समय हुआ था कि तभी उत्तर ईरान में भयंकर भूकंप आया, जिसमें 12,000 से ज़्यादा लोगों को मौत हो गई। WFP ने 1500 मैट्रिक टन गेहूं, 270 टन चीन और 27 टन चाय भेजी। 1963 में WFP का पहला स्कूल मील प्रोजेक्ट शुरू हुआ। 1965 में यह पूरी तरह से संयुक्त राष्ट्र का प्रोग्राम बन गया। 2019 में 88 देशों के करीब 10 करोड़ लोगों को खाद्य सहायता दी। WFP के पास 5600 ट्रक, 30 जहाज और 100 के आसपास विमान हैं। हर साल वह राशन की 1500 करोड़ डिलीवरी करता है।